मूवी की शुरुआत में हम तीन वैज्ञानिकों को समुद्र तट की ओर चलते हुए देखते हैं, जहां एक दिन पहले ही उस समुद्र में भीषण तूफान आया था और नतीजन एक वृद्ध जायंट यानी कि विशाल कैदैत समुद्र तट पर बहकर आ गया था। मछुआरे उस जायंट को देखकर चौंक जाते हैं। इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जब लोग समुद्र तट पर खुद देखने जाते हैं तो सभी उनके वापस आने के बाद उसी जायंट के बारे में बताने लगते हैं, जिसे सुनकर स्टीफन नाम का एक साइंटिस्ट अपने दो और साइंटिस्ट के साथ खुद समुद्र तट पर जाने का फैसला करता है। वहां जाकर वो अपने सामने उस जायंट को देखकर हैरान रह जाता है। उस जायंट को देखने के लिए वहां कई सारे लोग थे, डर के मारे कोई भी उसे छू तक नहीं रहा था। स्टीफन और उसके साथियों का अनुमान होता है कि जायंट का वजन लगभग 80 टन होगा। स्टीफन कहता है कि जायंट का उम्र का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसके नाक और आंखों को देखकर कहता है कि वह यंग जायंट है। वैज्ञानिक जायंट के शरीर के पास खड़े होकर रिसर्च कर रहे थे और इसी दौरान स्टीफन उस जायंट के हाथ के पास चला जाता है। हाथ का तलवा एक तालाब जैसा लग रहा था, कि उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें पानी जमा होकर तालाब जैसा हो गया था और वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी। स्टीफन के लिए उस जायंट के आकार से ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह था कि यह कोई कहानी नहीं और ना ही कोई सपना, वह जायंट रियल में एग्जिस्ट करता है। इसी बीच उसका एक सहयोगी साइंटिस्ट जायंट के बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है। वह वहाँ मौजूद लोगों को बताती है वह सुरक्षित है। यह सुनते ही नीचे खड़े सभी लोग उस जायंट के शरीर पर चढ़ जाते हैं। ऐसा करके सब लोग काफ़ी खुश थे। कोई उसके साथ खेल रहा था तो उनके शरीर के ऊपर कूद रहा था, लेकिन स्टीफन उसे छूता तक नहीं है और ना ही उसके ऊपर चढ़ता। दूसरी ओर सहयोगी साइंटिस्ट उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। टाइम बीतता है और उसी के साथ जायंट के साथ खेलने वाले लोगों की संख्या भी घट रही थी। सभी अपने घरों को जा रहे थे। स्टीफन 3 दिन बाद फिर वहाँ जाता है और उस जायंट में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही गई और उस पर नज़र रखने में भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। स्टीफन देखते हैं कि कल कुछ बच्चे जायंट पर स्लाइड कर रहे थे, कुछ लोग उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। वह देर तक उस जायंट के पास रुकने का फैसला करता है ताकि उस जायंट के पास अकेले टाइम बिता सके। जायंट के पास आकर उसने देखा कि वह सड़ रहा है, उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। उसके कान पर लड़की को बैठा हुआ देखता है जो कि उसके कानों को कुर्सी बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। स्टीफन ने नोटिस किया कि जायंट का वह यंग रूप कहीं गायब सा हो गया था और अब वह यंग नहीं दिख रहे थे। समुद्र में लंबे समय तक रहने के कारण उसके टिश्यूज खराब हो गए थे, उसका शरीर भी धीरे धीरे खराब हो गया था। इस बार स्टीफन हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ जाता है। उसके सीने पर चढ़ने के बाद वह जायंट के बांह को देखते हैं जो पूरी तरह से सड़ चुका था, बाकी को भी कीड़े मकोड़े खा रहे थे। उसकी आंखों में भी अजीब सा चीज आ गया था जो उसकी आंखों को एक तालाब जैसा रूप दे रहा था। ऐसा ही वह थोड़ी देर बाद वह वहां से चला जाता है। अगले दिन स्टीफन देखता है कि उस जायंट के हाथ और पैर सड़ चुके हैं। वह उसके शरीर को देख रहा था जिसका बाकी लोगों द्वारा अपमान लगाया जा रहा था, लेकिन आखिरकार वह भी तो एक इंसान जैसा था। अगले दिन जायंट के पास पहुंचकर स्टीफन देखता है कि अब वह जायंट का सिर भी हटा दिया गया, पक्षी और कीड़े उसको खा रहे थे। अब सर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसी के साथ स्टीफन का भी एक जायंट के साथ रिलेशनशिप बिगड़ गए थे, क्योंकि अब वह बस एक लाश बन गया था और फिर कुछ दिनों तक समुद्र तट पर गया ही नहीं। कुछ हफ्तों के बाद जब स्टीफन वापस समुद्र तट पर जाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि वह जायंट पूरी तरह से गायब हो गया, केवल उसकी सड़ी हुई कमर ही बची और अब कोई भी उस जायंट में इंटरेस्टेड नहीं था। लोग कुछ महीनों बाद उस जायंट की एंट्री तक भूल जाते हैं, लेकिन हर जगह सजावट के टुकड़े के रूप में उस जायंट के शरीर के अलग अलग हिस्से थे। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीफन ने जमीन में उस जायंट के खोपड़ी को नोटिस किया था। उनका मानना था कि अगर वह खोजेंगे तो उसके
उस जैन की आंख और नाक की हड्डियां भी मिलेगी। स्टीफन के अनुसार सजावट के टुकड़े जैन की हड्डियों द्वारा अच्छी तरह से बनाए गए थे, साथ ही उस जायंट के शरीर के कुछ अंगों को तो सर्कस में भी रख दिया गया। स्टीफन कहते हैं कि जिसने भी उस जायंट को देखा था वह उसे राक्षस मानते थे जो मरा हुआ था, लेकिन उसके लिए जायंट अभी भी जिंदा था। वह अक्सर अपने सपनों में देखता है कि जायंट उसके शहर में गुजर रहा है। वह समुद्र में वापस जाने के लिए शहर के अपने शरीर के अलग अलग अंगों को इकट्ठा कर रहा है। दरअसल यही मानव जीवन का कड़वा सच है, जहाँ लोग इंसान को तब तक याद रखते हैं जब तक वह जिंदा रहता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके मर जाने या अट्रैक्शन कम हो जाने पर लोग उसे भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह हमने इस फिल्म में देखा है कि एक जायंट आया और दूसरा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया और उसके मरने के बाद सब उसे भूल जाते हैं। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये शॉर्ट फिल्म? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।